इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले नाबालिग के साथ दोस्ती की और फिर दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो बनाया और फिर पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वारदात इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की है, जहां जबरन पैसे वसूली करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। बालिका से 2 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे आरोपी। जब मामले की जानकारी परिजनों को लगी तो पुलिस को शिकायत की गई। शिकायत पर अलग अलग धाराओं में आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये एक बच्ची है जो माइनर है, दुर्गा नगर की रहने वाली है। उसकी उसी के मोहल्ले में रहने वाले राज प्रजापत नाम के लड़के से फ्रेंडशिप हुई थी और उसी का फ़ायदा उठाकर उसने उसके साथ में उसको बहलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद में यह कहते हुए कि उसका वीडियो उसके पास में है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अपने अन्य साथियों योगेश उर्फ कार्लोस यादव, आनंद कारवाल और यनिक मालवीय, इनके साथ मिलकर वो उसको पिछले 2-3 माह से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और पैसों की मांग कर रहा था। उस बच्ची ने अपने दोस्त से एक बार 25,000 रुपये लेके और अपने घर से एक बार 21,000 रुपये चोरी छिपे निकाल के इस बदनामी से बचने के लिए इन चारों को उसने दिया था। और जब इस बात की जानकारी बच्ची के परिजनों को लगी तब उनके द्वारा बच्ची को थाने पर लेकर उपस्थित हुए थे और बच्ची की रिपोर्ट पर इनके विरुद्ध में धारा 363, 366 का, 376, 384, 506, 34 IPC तथा 3-4 एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी का नाम राज प्रजापत है। राज प्रजापत पिता ओम प्रकाश प्रजापत, 20 साल निवासी वेंकटेश विहार छोटा बंगड़दा। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया था, जो कल दिनांक 18 जनवरी 2022 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।